हम कल से ही आए हैं, बेचारा यहीं पे बैठा हुआ है एकदम बिल्कुल शांत सा, और ये भी नज़ारे इंजॉय कर रहा है यहाँ के। इसका भी दिल कहीं पहाड़ों में खो गया, हमारा तो खोया था, लेकिन 3 दिन यहाँ टुकने के बाद दिल भी मिल गया, बोले कि भाई साहब बहुत हो गया। ठीक है मज़ा आ रहा है, ये भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फिलहाल का सीन यही है हाँ। और अभी अपन ड्रोन फ्लाई करने जा रहे थे, लेकिन यार बारिश की भी शुरू हो गई, तो टेरिस पे से फिर से नीचे आ गए, बैग वैग लेके जा ही रहे थे। और ये देख रहे हो कितने मज़े से व्यूज इंजॉय कर रहा है, तो व्यूज इम्पोर्टेंट है इसके लिए। यार भाई साहब कैमरा वैमरा लेकर कुछ तो जो है दो यार, रिस्पेक्ट। तो फिलहाल के सीन यही हाँ, मिलते हैं आपको। हाँ जी दोस्तों, तो अभी गुड न्यूज़ है, यात्रा फिर से शुरू हो गई है और हम भी फटाफट निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। और अभी विकास का जो टेल बैग था वो भी मैंने अपनी बाइक पे बांध रखा है, क्योंकि उधर में जो है बाइक एज अ पिलियन चलने के साथ दिक्कत हो रही थी, तो यही है। बाकी फटाफट निकलेंगे हम यहाँ से सोनप्रयाग को। तो राइट नाउ द टाइम इज 12:44। जय बजरंगबली, जय हर हर महादेव। और जय श्री केदार, फिर से हमारी यात्रा शुरू हो गई। ये देखो पूरे लैंडस्लाइड हो रखे हैं रोड पे, और अब तो रास्ते भर यही दिखने वाला है। तो गुरु जैसे तैसे कैसे करके हमने 2 दिन इंतज़ार किया अगस्त्य मुनि में रुक के, कि दर्शन करके ही अपन जाएंगे, और बाबा ने अनुमति दे दी कि ठीक है आ जाओ, और हम फिर से निकल पड़े हैं। और सामने के नज़ारे भी बहुत तगड़े वाले हैं, मैं आपको ये वाला हिल क्रॉस करके फिर दिखाता हूँ। तो ये सारे पहाड़ देख रहे हो, मतलब ये कभी भी खिसक सकते हैं, ऐसे वाले पहाड़ हैं ये। और ये रही नदी, ओ भाई साहब फर्स्ट इंप्रेशन ग्लेशियर दिख गए बाबा के धाम के, मतलब कि पता नहीं गोप्रो में विजिबल होगा हो रहा होगा कि नहीं, पर वहाँ पे बिल्कुल एकदम चमक रहा है यार, जैसे वहाँ से एक ऊर्जा जो है प्रज्वलित हो रही हो। हे महादेव, जय हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, जय श्री केदार, जय हर हर महादेव। तो हम पहुँचने ही वाले हैं बाबा के धाम। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना यार, 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि यार ब्लॉग्स कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं, सीरीज पूरी हो पाएगी कि नहीं, बट फाइनली हम बढ़ रहे हैं आगे। और हमें जो है चौरा बैरिक ग्लेशियर जो है वो भी दिखना है, मतलब कि वो उसके ऊपर जो हिल्स है जहाँ पे बिल्कुल एकदम बाबा का धाम है, वो ऊपर वाला पहाड़ भी दिखना शुरू हो गया, ग्लेशियर दिखने शुरू हो गए हैं। तो गुरु मज़ा आ रहा है यार, और अगेन फिर से बारिश थोड़ी बढ़ गई है, पर हम बढ़ रहे हैं आगे। और पानी देख रहे हो कितने तगड़े में जल प्रवाहित हो रहा है। और यार आप लोगों के लिए इतना एफर्ट करके गोप्रो रिस्क लेके मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो को यार लाइक करना और कमेंट करना प्यारा सा, एंड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि कौन कौन अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बाइक से रोड ट्रिप करके बाबा के धाम आना चाहता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। देख रहे हो लैंड स्लाइड हो रखा है, हर तरफ यही हाल है, मतलब कि आपको पूरे रास्ते यही मिलने वाले हैं।
कहते हैं कि जो होता है वे अच्छे के लिए ही होता है। तो आप कहोगे कि अच्छा क्या हुआ, तो अच्छा ये हुआ कि हम जब आए थे तो इतनी ज़्यादा रश थी कि लोग बता रहे थे कि पूरा ये रास्ता पूरा भरा हुआ था, और वहाँ पे टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पे ठहरने के लिए कुछ नहीं था, ना खाने के लिए कुछ भी था। और इन दो दिनों के रेड अलर्ट होने की वजह से बहुत सारे यात्री वापस चले गए, और जो नए लोग आने वाले थे वो भी थम गए हैं। तो इसके वजह से हमें दर्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है, और दर्शन के साथ साथ हमें रहने खाने और आने जाने के लिए भी काफ़ी जो है सुविधा हो गई। तो यही है, बाकी देख रहे हैं नज़ारे, ये सीन्स देख रहे हो, मतलब कि बिल्कुल पत्थरों के बीच से हम जा रहे हैं, वादियों के बीच से हम जा रहे हैं, और ऐसे नज़ारों के लिए यार फिर बार बार आने का मन करता ही करता है। दोस्तों केदारनाथ धाम यहाँ से 54 किलोमीटर है और फाटा है 20 किलोमीटर, और यही है, बाकी सब बढ़िया है जी। और चोपता के लिए भी इधर ही से जाते हैं, चोपता और बद्रीनाथ के लिए। फिलहाल हमने कल सोचा था कि हम जब तक केदारनाथ जी के अगर दर्शन नहीं हो पाते हैं तो हम चोपता तुंगनाथ जी के लिए निकल जाएंगे, लेकिन लकीली दर्शन फिर से होना शुरू हो गए हैं, और यही है, बाकी सब बढ़िया जी। हर तरफ नज़ारे हैं भाई साहब, हर तरफ नज़ारे हैं। और राइट नाउ हम हैं शायद गुप्त काशी में अभी, और रोड देख रहे हो बिल्कुल खाली है, रोड मतलब कि कोई है ही नहीं, जैसा हम लोग ही चल रहे हैं बस। और ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि भीड़ नहीं मिलने वाली है। यहाँ से सोनप्रयाग 32 किलोमीटर है और केदारनाथ धाम 55 किलोमीटर, जिसमें 16 किलोमीटर का ट्रैक होगा, तो मज़ा आ रहा है हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई साहब, और हम भी आपको लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही आप भी मज़े लेते रहो वर्चुअली केदारनाथ यात्रा पे हम लेकर चल रहे हैं आपको। और आई जस्ट होप कि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, और ये जो क्लाइमेट हेज टाइप का बन रखा है, क्लाउडी है, ये खुल जाए तो ये विजिबिलिटी क्लियर हो जाए बस, बाकी आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, स्वीट और काफ़ी स्वीट स्वीट मेमोरीज बनाएंगे हम यहाँ पे, और यही है। अरे शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, मतलब बड़े ही सुंदर नज़ारे यार, स्वर्ग जन्नत है जन्नत भाई साहब, देख रहे हैं नज़ारे, तगड़े वाले हैं ना। ओ भाई साहब, हरे हरे महादेव, बाप रे बाप भाई साहब, जन्नत है जन्नत गुरु, ये देख रहे हो, मतलब कि नीचे हमारे नीचे बादल है और हम ऊपर में चल रहे हैं। तो गुरु यहाँ के नज़ारे मतलब कि बिल्कुल जबरदस्त तगड़े वाले हैं, मैं आपको दिखाऊं, नीचे में देख रहे हो पूरे बादल और ऊपर में हम रोड मोटर ब्लॉगिंग करते हुए। देख रहे हो नीचे गए तो मतलब कि गए नीचे गए तो फिर गए, मतलब कि उसके आगे फिर कोई बात ही नहीं होनी है, तो ऐसे रोड है। और ये पैचेस भी बिल्कुल कीचड़ वाले हैं, तो अपन ट्राई करेंगे कि अपन साइड से निकले, और जब कीचड़ हो तो आप देखो कहाँ से वाटर स्ट्रीमिंग हो रही है, तो एटलीस्ट जहाँ पे वाटर स्ट्रीमिंग हो रही है वहाँ पे आपकी बाइक नहीं फिसलेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है और बढ़ते रहना है इसी तरह आगे।
के चलते चलो जितना जल्दी हो सके निकलते चलो, पर जल्दी मतलब निकलने वाली जल्दी, और जल्दी मतलब भागने वाली जल्दी नहीं, हाँ भागने भगाने वाली नहीं, नॉर्मली चलते हैं। एवरेज स्पीड 30-35 और ऐसे टर्न्स पे बाइक स्लो करके, बस मिट्टी है तो स्लिपरी हो जाएगा, और एक बार स्लिप किया ना तो मतलब कि नुकसान हो जाना है भाई साहब। बड़ा ही खराब रोड हो रखा है, मतलब कि बिल्कुल पूरा बूट भीग गया, कीचड़ कीचड़ हो गया है पूरा बूट। और देख रहे हो ये पूरे लैंडस्लाइड हो रखे हैं। और यार अभी बात करूँ तो अभी भी सब कुछ इतना आसान नहीं है, और ये देख रहे हो पीछे में ये स्प्लेंडर से आए हुए हैं। ओ भाई साहब सामने नज़ारे देख रहे हो, तो गुरु ये देख रहे हो मतलब कि यही है पहाड़ों का सीन्स, हर तरफ लैंडस्लाइड मिलेंगे आपको। और यार पिछली बार जब हम आए थे तो रोड तो काफ़ी अच्छा था और बारिश का नामो निशान ही था उस टाइम तो, पर यार अभी जो बारिश हुई है ना यार भाई साहब, उधर में कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ क्या है क्या नहीं, मतलब इतने ज़्यादा बादल हैं वहाँ पे कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, और सामने धुंध देख रहे हो, मतलब कि अगर ऐसे में अगर हमें ट्रैक करना होगा तो हमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो ये देखो ये पूरा जो दिख रहा है ना ग्लेशियर, हमें यही जाना है, और मतलब देख रहे हो पूरे एकदम बिल्कुल वो बादलों में, और फिलहाल यही है, बाकी सब बढ़िया है जी। सर बाइक का, बाइक मैकेनिक का शॉप है आगे? ठीक। तो दोस्तों गौरीकुंड यहाँ से 19 किलोमीटर बाकी है, और केदारनाथ 35, सोनप्रयाग 13 किलोमीटर बस बाकी रह गया है, और हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं एक बाइक की शॉप, क्योंकि हमारा जो चैन कवर है उसका पेज गिर गया, तो आगे ठीक है। तो इधर में है बाइकर्स का ग्रुप,
ये भैया जी सुपर स्प्लेंडर से आए हुए हैं और ये साइंस है, मतलब कि आप समझ लो कि बाइक मैटर नहीं करता है, आपकी राइडिंग स्किल्स और आप कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हो, ये तो देख रहे हो साइन है, डीलक्स है, सुपर स्प्लेंडर है एंड अगेन स्प्लेंडर प्लस है और अपाची है, मतलब कि बिल्कुल मैटर नहीं करता है भाई साहब बाइक। प्लाटीना क्या बात है, अरे शाबाश। और उत्तराखंड एम्बुलेंस भी सेवा में लगी हुई है। जय हर हर महादेव। क्या बात है भाई साहब, मतलब कि ये देखो विजिबिलिटी लग रहा है ना, बिल्कुल सुंदर, एकदम ग्रीन ग्रीन क्लाउड, आसमान बिल्कुल साफ, ये ऐसे ही जैसे किसी ने ड्रॉ कर दिया हो, तो काफी मजेदार है ये सब। तो हमें पता है कि अभी आपको जो है गोप्रो में नजारे जो है बिल्कुल अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। तो इन पहाड़ों पे जो है हल्की सी धूप की भी जरूरत होती है। यही धूप हो गई तो देख रहे हो ना नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं। लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि शायद बसेस वगैरह अभी नहीं चल रही हैं, क्योंकि हरिद्वार से बस आ नहीं रही है, इसलिए जब आ ही नहीं रही है तो जाने का कैसे सवाल उठेगा। हाँ, तो बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा लंबी, शायद फिर से लैंडस्लाइड ना हो गया हो। भाई साहब उधर देखो दूर तक लाइन लगी हुई है, ऐसे ही काफी दूर तक। और पता नहीं, शायद सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। गुरु देख रहे हो ये पूरा जो एरिया है वो लैंडस्लाइड के हवाले चढ़ गया है, और हर तरफ जो है रोड ख़त्म हो चुके हैं लगभग। और बाइक में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, गियर शिफ्टिंग में भी इशू हो रही है, पीछे का चैन कवर वगैरह सब पेज गिर गया उसका, और यही है फिलहाल। एंड अभी आगे में तो कोई बाइक मैकेनिक वाला भी नहीं मिलने वाला है, कुछ होने से रहा। और
गुरु यहाँ पे अभी लगभग हम 1.5 घंटे से रुके हुए थे और रोड वन वे कर रखा था, तो लगभग यहाँ से करीब 300 से 400 व्हीकल निकली हैं। उसके बाद फिर हमारी बारी यही है। निकल रही है हमारी सवारी और ये भाई साहब देख रहे हो साइकिल से आए हैं दर्शन करने। जय बोले जय हर हर महादेव। तो यही वो पूरा एरिया था जहाँ लैंडस्लाइड हो रखा था और अंकल कहाँ आ गए अंकल। भाई शाबाश। पूरा का पूरा एरिया लैंडस्लाइड हो रखा था तो इन्होंने जो है जुगाड़ लगाया है रोड का। ये देखो ये क्या हाल हो गया है फॉर्च्यूनर का। ये यूपी की गाड़ी थी आगरा की और उसकी जो है वाट लग गई है एंड पता नहीं जो लोग इसमें होंगे वो बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच ही गए हैं लगभग सीतापुर, यही है फ़िलहाल का सीन भाई साहब। बाकी सब बढ़िया बढ़िया है। तो गुरु ये है सीतापुर का पार्किंग लॉट और बिल्कुल खाली है अभी फिलहाल तो। एंड फिलहाल हमने चलना है ऊपर, इतना हमें घूम के नहीं जाना पड़ता बट वो पुलिस वाला बोल रहे हैं कि वन वे कर दिया है जिसकी वजह से हमें ये फालतू में ही घूम के जाना पड़ रहा है इतना। हाँ जी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम सीतापुर। राइट नाउ वी आर एट सीतापुर। सीतापुर हम पहुंच गए थे लगभग 5 बजे शाम में ही और लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ काम था इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकें। हमें जाना था सीतापुर सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हमें जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने थे। हमें यहाँ पे चाहिए होगा RT-PCR फ़िलहाल में और या फिर आप अगर डबल वैक्सीनेटेड हो तो आपको RT-PCR की भी ज़रूरत नहीं है और आधार चाहिए। तो वो हो गया, दोनों चीज़ें प्रिंट कराएँ और ये इसको कराने के लिए बस हमें 2 घंटे लग गए क्योंकि यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ है कि पूछो मत। और हम रुके हैं सोनप्रयाग में, सॉरी सीतापुर में। सोनप्रयाग यहाँ से 2 किलोमीटर है, मैं आपको दिखाऊँ तो। और ये देखो तो केदारनाथ धाम यहाँ से 21 किलोमीटर है, गौरीकुंड 7 और सोनप्रयाग 2 किलोमीटर है। तो हम रुके हैं सीतापुर में, यहाँ पे हमें होम रूम स्टे जो है वो मिला है 1200 रुपये में, 1200 रुपये 3 पर्सन के लिए। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी महंगा है, लगभग 2000 से 2500 के रूम सीतापुर में है और सोनप्रयाग में तो 4000 प्लस जा रहे हैं। तो हम पिछली बार जब आए थे तो हम यहीं रुके हुए थे और 500 रुपये में 6 लोग रुके हुए थे, इसे थोड़ी जान पहचान हो गई थी इसके वजह से इसने जो है 1200 रुपये में हमें दे दिया होटल। और प्रॉपर्टी ठीक ठाक ही है, अच्छी है और मैं आपको रूम भी दिखा दूँ। तो रूम है ये कुछ ऐसा, इधर में बेड लगा हुआ है, उधर में बेड लगा हुआ है और वॉशरूम है ठीक ठाक सा, गीज़र है। तो यही है, बाकी सब बढ़िया है। तो फ़िलहाल के वीडियो में यही था एंड आई जस्ट होप कि आप सबको
अगस्त्य मुनि से सीतापुर की राइड का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कुछ भी सुधार के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड मजा आने वाला है आगे से। आई जस्ट होप कि यात्रा कल शुरू हो जाए और कल हम चलेंगे बाबा के दरबार को, तो वो जर्नी आप देखना बिल्कुल भी ना मिस करिएगा। और इस वीडियो के जस्ट बाद जो है वो वाली वीडियो भी अपलोड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री केदार, जय हर हर महादेव।